तो हेलो दोस्तों, कुक बाय प्रियंका में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम बना रहे हैं ब्रेड की बहुत ही मस्त रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो आपको हम बताने जा रहे हैं ये कैसे बनेगा, आप बताइएगा कि ये इतना ज़्यादा पसंद क्यों किया जा रहा था। ठीक, तो चलिए देखिए, हमने इतनी बड़ी सी ब्रेड ले ली है, इतनी बड़ी सी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको ली है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको हमने पहले निकालेंगे और इसमें से हम सिर्फ चार पीस अलग करेंगे। तो सिर्फ चार ब्रेड का हम इसमें बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये लीजिए, हमने चार ब्रेड ले लिए। इस चार ब्रेड का हम बढ़िया से बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके किनारे अलग कर लेंगे। ठीक, तो ये देखिए, इसके हम किनारे कैसे अलग करेंगे, या फिर चक्कू की मदद से या फिर कैंची की मदद से। तो कैंची से ऐसे से काट लीजिए इसके। ठीक है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया से कट जाता है। ठीक, ये देखिए, इसको ऐसे काट लीजिए फटाफट से। तो ये देखिए, हमारा पूरा कट गया है। और ये देखिए, एक दो तीन चार हो गया। ये हमने इसके स्लाइसेस को अलग कर लिया और इसको हम अलग रख लेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। तो ये देखिए, इसको हमने इसमें रख लिया और ये जो हमारे स्लाइसेस बचे हुए हैं इसको हम क्रम्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसको हमने इसको अलग रखे, फेंकिएगा नहीं, बहुत यूज़फुल होता है दोस्तों। तो ये देखिए, इसको हमने अलग कर लिया। फिलहाल इसकी रेसिपी हम बाद में शेयर करेंगे। तो ये देखिए, अब चलिए इसको हम बनाते हैं। तो ये देखिए, हमने पैन चढ़ा दिया, इसमें हम डाल देंगे ये घी। तो ये देखिए, हमने बटर डाला हुआ है, ये पानी है, ये अपने आप ही पिघल जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए, इसमें हमने डाल दिया है बटर। तो चलिए इसको पका लेते हैं पहले। ये देखिए, हमारा बटर अच्छे से पिघल जा रहा है। अभी इस स्टेज में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ब्रेड है इसी पे रख देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हम इसी में रख देंगे और रख के इसको खूब बढ़िया सा पका लेंगे। ये देखिए, इसको खूब बढ़िया सा पका लीजिए। तो नीचे देखिए, खूब बढ़िया सा सेक रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसी के ऊपर हम डाल देंगे, इसको थोड़ा सा हम पलट लेते हैं पहले। तो ये देखिए दोस्तों, रुकिए, तो ये देखिए, इसको पलट दीजिए। ये देखिए, अच्छे से सेक गया ना। अब इसी तरह दूसरी साइड भी हम सेक लेते हैं। इसमें भी हम थोड़ा सा ये डाल देते हैं फिर से, इसको भी खूब बढ़िया सा सेक लेते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी के ऊपर हम डाल देंगे दूध। ये देखिए दोस्तों, हमने एक कप दूध का यूज किया हुआ है। अब ये एक कप दूध हम इसमें खूब बढ़िया सा पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको खूब बढ़िया सा पका लीजिए। जब तक दूध, तब तक पकाइए जब दूध हमारा ब्रेड पूरा एब्जॉर्ब कर ले, मतलब पूरा सोख ले। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया सोख जाता है। तो ये देखिए, ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा इसमें। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको पलट दिया था। ये देखिए, खूब बढ़िया से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसको मिठास देने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम घी और डाल, ये मक्खन और डाल देंगे ताकि अच्छे से पक जाए खूब बढ़िया सा। ये देखिए दोस्तों, इसको डाल दीजिए चारों तरफ ताकि ये अच्छे से खूब बढ़िया से पक जाएगा। तो ये देखिए, तो इसको थोड़ा सा हल्का से ऐसे से छुड़ा लीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम पलट देंगे। ये देखिए, हो गया ना। अब इसको मिठास देने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर हम, ये क्या चीज है दोस्तों, शहद। तो हम शहद डाल देंगे। ये देखिए, शहद से इसको खूब बढ़िया सा मीठा कर लेंगे।
इसको चला देंगे हम। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। अब चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, जी देखिए हमने निकाल लिया। चलिए इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा स्वादिष्ट सब बनके तैयार हो गया है ब्रेड का। अब इसको खाइए, देखिए बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। इसको सर्व करके बताइएगा कि कैसा बना है। रमजान का सीजन है तो आप अपने घर में बनाइए, खिलाइए सभी को, बहुत ही टेस्टी सा है। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। चलिए इसी तरह नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।